हम आए हुए हैं चार धामों में से एक जगन्नाथ धाम की यात्रा पर। जब हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो हमारे मन में एक सवाल आया कि जगन्नाथ जी की आंखें और मुंह इतने बड़े बड़े क्यों हैं? कहा जाता है एक बार माता यशोदा देवकी जी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उसी समय उनके साथ जो रानियां थी उन्होंने उनसे निवेदन किया वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। यशोदा माँ की बातों को कृष्ण और बलराम सुन ना ले इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने को बोल दिया। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताना शुरू किया। सुभद्रा भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सुनने में इतनी खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ चुके हैं। अपनी शैतानियों और शरारतों को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से उनकी आंखें और मुंह खुला रह गए। नारद जी ने कृष्ण जी से विनती की कि प्रभु आप इस रूप में अवतार लीजिए। श्री कृष्ण ने नारद जी की बात मान ली